भारत की बहुचर्चित फिल्मी पत्रिका सिने आजकल नया मगर सबके जुबान पर एक ही नाम सिने आजकल विज्ञापन इंटरव्यू फिल्म प्रमोशन प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए संपर्क करें सी हेक मीडिया मोबाइल नंबर 9350816300 ईमेल आईडी है सिने आजकल इंडिया @gmail.com। नमस्कार, सिने आजकल न्यूज में आपका स्वागत और मैं हूँ आपके साथ चेतना चौधरी। चले रुक करते खास खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर पूर्व प्रधानमंत्री और जाने माने अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह को जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से उनकी दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। मनमोहन सिंह आज अपना 84वां जन्मदिन मना रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीनदयाल उपाध्याय की जन्मशती के मौके पर सौभाग्य नाम की योजना की शुरुआत की, जिसका मकसद है हर घर तक बिजली का कनेक्शन पहुँचाना। यूपी कैबिनेट की बैठक में शिक्षा मित्रों को वेटेज देने समेत कई अहम प्रस्तावों पर आज मोहर लगा दी गई है। लोक भवन में आज आयोजित कैबिनेट की बैठक में बेसिक शिक्षा विभाग ने शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापकों की नियुक्तियों में वेटेज देने का प्रस्ताव रखा था। कैबिनेट की मोहर लगने के बाद शिक्षा मित्रों को अब आने वाली नियुक्तियों में 25 अंक का वेटेज मिलेगा। हालांकि शिक्षा मित्रों को टैट से छूट प्रदान नहीं की गई है। संग्रामपुर पुलिस का शिकंजा शराब माफियाओं पर कसता ही जा रहा है। इसी क्रम में कोइर गांव से एक शराब कारोबारी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि दूसरा भागने में सफल रहा। वहीं उनके पास से 10 लीटर शराब और 2 मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम सत्येंद्र मुखिया बताया गया है, जबकि फरार व्यक्ति का नाम भट्टी मुखिया है, जिसे पकड़ने के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। पूर्वी चंपारण जिला के अंतर्गत गांधी ग्राम जलाहा में नवनीत दुर्गा पूजा समिति के प्रांगण में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कलाकारों के गीत संगीत ने समा बांध दिया, जिसका उद्घाटन स्थानीय पैक्स अध्यक्ष बसंत सिंह के द्वारा किया गया। मौके पर मनोज कुमार, सुनील तिवारी, दशरथ कुंवर, दिवाकर सिंह, मनीष कुमार और हजारों लोग उपस्थित हुए। IRCTC के 2 होटलों के रखरखाव का ठेका देने में कथित भ्रष्टाचार के मामले में पूछताछ के लिए RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव एक बार फिर CBI के सामने पेश नहीं हुए हैं। इस बीच बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा है कि हम CBI से परेशान नहीं है, बल्कि हमसे विपक्षी पार्टियों और CBI से परेशान है। राबड़ी देवी ने कहा कि RJD अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से CBI ने कोई भी पूछताछ नहीं की है। राज्यसभा सांसद और जनता दल यूनाइटेड के बागी नेता शरद यादव बिहार में दूसरे चरण की यात्रा कर रहे हैं। अपने दूसरे चरण की यात्रा के दौरान शरद यादव 4 दिन बिहार के अलग अलग हिस्सों का दौरा करेंगे और राज्य में JDU और BJP सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करेंगे। बिहार में शराबबंदी के बाद अब सरकार ने बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ अभियान चलाने के लिए कमर कस ली है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस अभियान की शुरुआत करने जा रही हैं। ये कोशिश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बिहार में सामाजिक परिवर्तन की ओर एक अहम कदम माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में एक बड़ा रेल हादसा होने से टल गया। एक ही ट्रैक पर 3 ट्रेनें एक ही समय पर आ गई। दुरंतो एक्सप्रेस, हटिया आनंद विहार एक्सप्रेस और महाबोधि एक्सप्रेस एक साथ एक ही ट्रैक पर थी। बता दें कि उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ समय से कई रेल हादसे हुए हैं। डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की राजदार हनीप्रीत की अग्रिम जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस याचिका में हनीप्रीत ने पंजाब हरियाणा के ड्रग्स सिंडिकेट से खुद की जान का खतरा बताया था। हनीप्रीत 25 अगस्त से फरार है। बिहार में अपराधियों ने ढाका इलाके के RJD विधायक फैसल रहमान से 15 दिनों के अंदर दूसरी बार रंगदारी की मांग की है। अपराधियों ने नेपाली नंबर से रंगदारी मांगी है। रात करीब 12:16 पर फोन करके अपराधी ने विधायक को धमकी दी और 20 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की। झारखंड के बहरागोड़ा में अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए हादसे के बाद प्रशासन एक्शन में आ गई है। कुम्हार डूबी गांव में पुलिस ने एक ट्रक भरकर पटाखा और बारूद बरामद किया है। पटाखा विस्फोट कांड के बाद मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। मामले पर DIG साकेत कुमार और आयुक्त ब्रज मोहन पूरे मामले की जाँच कर रहे हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस 2 दिन के भारत दौरे पर पहुंच गए हैं। उन्होंने रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच डेलीगेशन स्तर की बातचीत भी हुई। जेम्स मैटिस ने भारत अमेरिका रक्षा संबंधों को अगले स्तर तक ले जाने की कोशिश की है। बता दें कि भारत में मैटिस की यात्रा के दौरान फाइटर जेट F-16 ड्रोन डील के अलावा अफगानिस्तान को लेकर सुरक्षा की साझा चिंताओं के मुद्दों पर भी बात की। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों को राहत देते हुए सेविंग्स अकाउंट के लिए न्यूनतम बैलेंस घटा दिया है। अभी तक न्यूनतम बैलेंस 5000 रुपए था, जिसे अब 3000 रुपए कर दिया गया है। देश के सबसे बड़ा बैंक ने इसके साथ ही सीमा का अनुपालन नहीं करने पर जुर्माने में भी कटौती की है। संशोधित सीमा अनिवार्यता और शुल्क अक्टूबर से लागू किया जाएगा।
आईसीसी के खेलने के नियमों में सुधार से अनुचित व्यवहार करने वाले खिलाड़ियों को मैदान से बाहर करना अब क्रिकेट में सच्चाई बनने जा रही है, जिन्हें 28 सितंबर या इसके बाद से शुरू हो रही सभी सीरीज में लागू किया जाएगा। इन बदलावों में बल्ले की लंबाई, चौड़ाई की सीमा और DRS में बदलाव शामिल है। हालांकि भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही सीमित ओवरों की श्रृंखला पुराने नियमों के अनुसार ही खेली जाएगी। बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा मलाइका अरोड़ा हाल ही में बिजनेस टाइकून मुकेश अंबानी की पार्टी में शामिल हुई। इस मौके पर उन्होंने मनीष मल्होत्रा का डिजाइन किया हुआ ट्रांसपेरेंट ब्लैक आउटफिट ड्रेस पहना। अपने इस ड्रेस को लेकर उन्हें ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ा। कई यूजर्स ने बड़े ही अटपटे कमेंट किए। मेरे साथ बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए सिने आजकल न्यूज। नमस्कार। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया। पूरे देश की खबर, देश ही नहीं विदेशों की खबर, हर खबर पर होगी पैनी नजर। खबरें ही नहीं, साथ में होगा भरपूर मनोरंजन। जी हाँ, तो देखते रहिए CM India TV, खबरों की हकीकत मनोरंजन के साथ।